अच्छा गाइस, एक बहुत फनी चीज है कि जब सारा के स्कूल में जो है टीचर ने पूछा सारा से कि पाकिस्तान में क्या किया, क्या अच्छा लगा, तो सारा ने टीचर से क्या कहा था पाकिस्तान के बारे में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उनके क्या सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक ठाक हैं। फिनिट माय चैनल, वेलकम टू नई दुनिया। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब बैक एंड शेयर लाइक। मेरा कमेंट्स का आज का वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा, टाइम तो पहले कल तक न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। एंड आज जुम्मा, तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आज मैं बहुत ही लेजी मोड में हूँ क्योंकि आज मैं क्लासेस नहीं की। क्लासेस इसलिए नहीं की क्योंकि जब आज मेरी दो क्लासेस होनी थी तो एक टीचर को हुआ कोविड, तो वो क्लास जो है कैंसिल हो गई। और सेकंड क्लास का मैं सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास के लिए आधा घंटा ट्रैवल करके जाऊँ, फिर मुझे यहाँ को भी ड्रॉप करना है, फिर मैं उस आधे घंटे ट्रैवल के बाद मैं 1.5 घंटा अपनी क्लास का वेट करूँ, फिर उस क्लास खत्म 1.5 घंटे की क्लास खत्म होने के बाद 3 घंटे यहाँ की जॉब का खत्म होने का वेट करूँ, फिर उसे पिक करके वापस आऊँ। इससे अच्छा मैं गई नहीं, तो या इसलिए मैं घर पे थी एंड मैं अपनी नींद पूरी कर रही थी। मुझे नींद पूरी नहीं हुई है, मैं कह रहा कि मैं सोती रहूँ, मैं और सो जाऊँ, लेकिन यू नो बस बहुत हो गई, उठ जाओ। और बच्चे जो हैं अभी क्या 11-12 बज रहे हैं, तो बच्चे आएंगे बाद में, यानी कि 2 बजे के बाद। ये मेरी एक कुकड़ी और दूसरी कुकड़ी, और घर जाना फैला हुआ है। मेरी कोई हिम्मत नहीं है, मेरी जो हेल्थ सिचुएशन है सुधरी हुई है कि मैं जो है सफाइयाँ करूँ, तो डेफिनेटली सफाइयाँ फजर और यहाँ ही करेंगे। ये रही जी चाय, हमारी तैयार हो गई है दिन की शुरुआत चाय के साथ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे मैं ना आई एम मिसिंग पाकिस्तान का यू नो नाश्ता, वो जो चाय पराठा, और यू नो चाय पराठा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा तो फिर आप तब भी जो है ना वो बात नहीं आती है। पता नहीं क्यों जैसे चाय पराठा नाश्ता है ना, उसका मजा पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान में जब आप चाय पराठा खाते हो, ऑनेस्टली आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है कि घर में मैं यानी कि यहाँ इतने पराठे नहीं बनाते, लेकिन जब पाकिस्तान में थे तो मैंने नाश्ते में चाय पराठा विद लेफ्ट ओवर फ्रॉम लास्ट नाइट या फिर अंडे के साथ, तो ये खाया है हर दिन नाश्ते में। सो या आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो कि यहाँ मैंने क्यों नहीं बनाती, वहां मैंने खाया है। शायद इसलिए क्योंकि वहां पे कि जो है ना बना के दिया गया है, यहाँ पे खुद बनाना पड़ता है। ये बात हो सकती है वैसे, बट या आई मिसिंग इट। अब मैं नहीं बना सकती उतना, तो मैं क्या करूं। चलो पराठा ना सही, बट रात का लेफ्ट ओवर तो है ही। हमारी सारा जी जो है स्कूल से आ चुकी है, स्कूल से आके जो है यहाँ पे स्नैक्स खाए जा रहे हैं क्योंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे स्नैक्स तो बनते हैं, है ना जी। और साथ साथ जो है टीवी देखा जा रहा है। मुझे ये बताओ ना, वैसे गाइस एक बहुत फनी चीज है कि जब सारा के स्कूल में जो है टीचर ने पूछा सारा से कि पाकिस्तान में क्या किया, क्या अच्छा लगा, तो सारा ने टीचर से क्या कहा था पाकिस्तान के बारे में। बोलना बोलना, इधर देखो मेरी तरफ, क्या कहा था? हाँ, टॉयलेट पेपर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कितनी सर्दी है, और पाकिस्तान में सर्दी, ये दो बातें। इतना कुछ किया इस मैडम ने, इधर देखो ना, नहीं नहीं इधर देखो, इतना कुछ किया आपने पाकिस्तान में, और आपको पाकिस्तान का सिर्फ पिंक टॉयलेट पेपर और सर्दी याद है, हैं? और क्या किया था बताओ। चलो कैमल पे बैठी, हॉर्स पे भी बैठी, और डोंकी और मोटरसाइकिल। हाँ देखा, इतनी सारी चीजें की उसने स्कूल में, क्या बताया? पिंक टॉयलेट पेपर और सर्दी पाकिस्तान की। ये सही है, हैं? बोलो फिर कुछ और बताया आज स्कूल में, आज भी भूल गई। क्योंकि हमारे घर की भुलक्कड़ नंबर 1 एक ये है, और एक इसके पापा हैं। मेरे पापा हैं नंबर 1 और आप नंबर 2 हैं। लो आनी भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम फजर जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सब ठीक है, क्या कर रही थी, किसको सिखा रही थी? हाँ लेकिन किसको सिखा रही थी बताना भूल गई, मुझे बताया था क्या था। अच्छा बताती हूँ, घर तो आने दे, आ गई है, अंदर तो आने दे। ये जो है ना हम लाए हैं गिफ्ट,
सारा की जो बेस्ट फ्रेंड है मियाँ, तो उसके लिए मैंने ये लिया था। तो अब ये एक हुडी है इस तरह से, और इसके साथ ये पजामा भी है, पूरा एक जैसे ट्रैक सूट टाइप ही है ये पजामा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये भी मैंने वहीं से लिया था, अल नसर से, एम एम आलम रोड पे जो है दुकान है लाहौर में। तो मुझे वहाँ के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे कपड़े बहुत ही जो है अच्छे लगे थे। सो या अगेन गाइज, नो प्रमोशंस, मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी, यानी कि अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए या आपको जानना है तो वो आप लोगों को फिर पता हो, ताकि आप लोगों भी जो है उस चीज़ को जो है उस अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल कर सके। इसलिए जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये है। एनीवेज, तो सारा अभी जो है जा रही है अपनी फ्रेंड की तरफ, तो वहाँ पे जो है मैं अब इसको दूंगी पैक करके। स्वजन ने सारा जो है पेपर ख़त्म कर दिया है अपने दोस्तों के लिए, अब किस में पैक करूँ मुझे ये बताओ, काफ़ी नहीं है। अब आपने सारा पेपर अपने फ्रेंड्स को देने में, दो फ्रेंड्स को देने के लिए, तीन गिफ्ट में ये सब ख़त्म कर दिया है, फिर भी नहीं, फिर भी आपने सारे ख़त्म कर दिया है। मुझे इतना फनी लगा था ना जब सारा ने कहा, यानी कि कहा था स्कूल में कि वो पिंक टॉयलेट पेपर और पाकिस्तानी मौसम। एक्चुअली उसे लगता था कि पाकिस्तान में जो ना बहुत गर्मी होती है, हर वक्त ही बहुत गर्मी होती है, लेकिन जब वो सर्दियों में वहाँ थी, उसने जब टाइम स्पेंड किया, तो फिर उसको रियलाइज हो गया, अरे हाँ भाई, यहाँ तो यानी कि ठंड होती है। वो पहले इसीलिए पाकिस्तान यानी कि नहीं आना चाहती थी, उसे लगता था कि बहुत गर्मी होती है और गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती है, तो कहती मुझे नहीं पाकिस्तान जाना। तो मैंने कहा जाके तो देखो और यानी कि एक्सपीरियंस करो, तभी तो पता चलेगा कि सर्दी है गर्मी है, यानी कि पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सारा को जो पाकिस्तान जाने के लिए मनाया था, तो वहाँ जाके जब उसे ठंडा मौसम मिला तो वो यानी कि खुश हुई। तो एक वो बात उसके माइंड में बैठी हुई थी और उसको बहुत ही मेजमराइजिंग लगा। उसने ना पिंक कहीं किसी रेस्टोरेंट में जो है ना पिंक कलर का टॉयलेट रोल पेपर जो है वो देखा, और उसके लिए वो बहुत ही, पता नहीं क्यों, पर वो अमेजिंग सी बात थी। और इसलिए जो है ना, और वो बात भी जो है ना आने से दो दिन शायद मेरे ख्याल से पहले की बात है, दो तीन दिन पहले की, तो वो उसके माइंड में वो बात बैठी हुई थी कि पिंक टॉयलेट पेपर होता है पाकिस्तान में। तो उसने स्कूल में जाके जो है ना उसने कितनी यानी कि जो भी पाकिस्तान में किया था शुरू से लेके एंड तक, वो सब भूल कर वही बात उसके माइंड में थी, वही उसने स्कूल में जो है ना बात कर दी। मुझे इतनी हंसी आई थी, इतना फनी लगा कि मैं क्या ही कहूँ। हालांकि पाकिस्तान में जैसे उसे शादियों का बहुत मजा आया, जिस तरह से वो ढोल पे भांगड़ा होता है और वो सब होता है, धमाल होती है, वो देख के उसे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जिस तरह से गैदरिंग्स होती हैं, हमारी फैमिली गैदरिंग्स और पार्टीज, और जिस तरह से शादियाँ वहाँ पे होती हैं, दुल्हन और वो मेहंदी और गजरे और ये सब चीज़ें, उसे बहुत अच्छा लगा। कज़न से मिली से बहुत अच्छा लगा, कैमल राइड गधा गाड़ी पे बैठी और वो बग्गी में बैठी थी घोड़े की, तो ये सब घोड़े पे बैठी, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें, वो ट्रिप, वो हम जंगल गए थे, ये सब चीज़ों से बहुत मज़ा आया था। लेकिन बस पता ही नहीं क्यों यही दो चीज़ें उसके माइंड में बैठ गई, और यही दो चीज़ें जो उसने स्कूल में कह दी। मैंने उसे कहा भी था कि और चीज़ें भी तो बतानी चाहिए थी, तो कहती ओ मैं भूल गई, अरे ये हमारी मैडम है जो हमेशा हर वक्त भूलती ही रहती हैं। एनीवेज, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो उसकी क्यूट सी हरकत जो है कैसी लगी, और इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धन की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, एक्ट पर्सन, डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज़ लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।